Hi everybody, welcome to all of you on my channel MathStopper. Today we are going to discuss very important topics for all board aspirants. ठीक है, 2020 में जो जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स देगा उनके लिए, सो दैट मीन्स CBSE, IISc, JAC, वेस्ट बंगाल, ऑल स्टेट लेवल बोर्ड्स इन इंडिया. सो दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग का मतलब है प्लानिंग है. क्लियर? लीनियर, सो दैट मीन्स यू विल मेक ए प्लान इन सच वे दैट, क्लियर, एवरी टाइम यू विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट. एंड वो जो प्लानिंग है आपको लीनियर इन इक्वेशंस का हेल्प लेकर आपको फाइंड करना है. क्लियर? फोर टाइप्स का प्रॉब्लम है. एक है ग्राफिकल प्रॉब्लम, दूसरा है डाइट प्रॉब्लम, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो एग्जाम में जो ये आता है ग्राफिकल प्रॉब्लम आता है. ठीक है, क्लियर. ग्राफिकल प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत लेंदी प्रॉब्लम है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप छोड़ सकते हो. ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज को गेन करने के लिए आप सीख सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड, ये इस टाइप का ग्राफिकल प्रॉब्लम है. एक ये मैंने यहीं पर जो लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस. ठीक है, क्लियर. आल्सो हियर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो टाइप्स का प्रॉब्लम होता है. सो दिस इज मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4. जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? ये जो क्वेश्चन है देखो, यहीं पे x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8. ठीक है, 8 से डिवाइड कर दो. सो x/8 + y/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 है. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12. 12 से डिवाइड करो, x/4 + y/3 इज लेस देन इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. सो दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज xO(x′) एंड दिस इज yO(y′). ठीक है, अभी देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है. सो दिस इज व्हाट, यहीं पे 8 एंड 4 है, 4 एंड 3 है. सो माय डियर फ्रेंड, ईच यूनिट को 2 कंसीडर कर लो. सो दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8. ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6. ठीक है, दिस इज -2, -4, -6 एंड -2, -4, -6 लाइक दिस. एंड हियर यू कैन राइट ईच यूनिट इक्वल टू 2 है. ठीक है, अभी जैसे एक्स इज 8, वाई इज 4 है. एक्स इज 8, सो दिस, वाई इज 4 है दिस. ठीक है, ये दो पॉइंट को जोड़ दो. सो लाइक दिस, ऐसा करके जोड़ो. सो दिस इज व्हाट, लाइक दिस, एंड एक्सटेंड कर दो. ठीक है, अभी यहीं पे ओरिजिन को पुट करोगे. क्लियर, एक्स का जगह पे 0 रखो, वाई का जगह पे 0 रखो, तो तुम्हें क्या मिला? 0 इज लेस देन 8. स्टेटमेंट ट्रू है. क्लियर, जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्या करोगे? ऐसा करके दो लाइन खींचोगे टूवर्ड्स ओरिजिन है. ओरिजिन इधर है, इसलिए टूवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है, ऐसा करके ड्रॉ करना है. नेक्स्ट ये क्या है, देखो एक्स इज 4, वाई इज 3 है. एक्स इज 4, वाई इज 3. 3 मीन्स क्या? इसका मिड पॉइंट होगा. सो लाइक दिस, एक्स इज 4 एंड वाई इज 3. सो लाइक दिस, ऐसा है. ठीक है, सो अभी क्या है, दोनों साइड एरो लिख दो. इस पे भी x का जगह पे 0, y का जगह पे 0 पुट करो. 0 इज लेस देन 12 है. ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसीलिए ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है. क्लियर, अभी आपको क्या करना होगा? क्लियर, ये दोनों का बीच में जो कॉमन पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट कॉमन है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, ये पार्ट जब कॉमन है, ये दो पॉइंट आपको ढूंढना है. सो लाइक दिस, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए पॉइंट. सो दिस इज, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 है. ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दिस इज बी. ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 3 है. ठीक है, और ये सारे पॉइंट जो है इसको नहीं चाहिए. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, अभी तुम्हें क्या फाइंड करना है? देखो ए पॉइंट तो मिल गया, अभी मिनिमाइज जेड. सो दैट मीन्स क्या, एट ए ऐसा करके लिखोगे,
जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स का जगह पे 4, वाई का जगह पे 0 है, सो दैट इज माइनस 12 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 12। एट बी का वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स इज 0, वाई इज क्या हो रहा है, देखो एक्स इज 0, वाई इज 12 है, सो दिस इज 12। ए दोनों में छोटा कौन सा है, ए छोटा है, सो दैट मीन्स क्या है, सो मिनी हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज व्हाट ना, माइनस 12 है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 0 है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं लिखना। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यहीं तक ही आप लिखोगे। सो माई डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको 3 टाइप्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक है ए बेसिक्स, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा है डायरेक्ट प्रॉब्लम, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू विल गेट इन 4 वीडियोज। सो माई डियर फ्रेंड, इट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यूर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स टॉपर। दैट्स ऑल।